हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपीएससी स्टडी। आज 22 जनवरी 2024। लेट अस डेल्व इनटू द करंट अफेयर। आज न्यूज़पेपर आम द हिंदू एवं इंडियन एक्सप्रेस रु करवा। द हिंदू रु बेसिकली तीन टा न्यूज अच्छी, ठीक अच्छे। गोटे हूँ पेम्बा इफेक्ट। पेम्बा इफेक्ट कौन? तापर आमर निसार NISAR, नासा एवं इसरो रो गोटे जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन रो गोटे प्रोजेक्ट निसार, ता विषय आम टिके देखिबा। एवं गोटे मस्क्यूटो फिश विषय आम जानिबा, जहाँ इकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस विषय न्यूज देछे। इंडियन एक्सप्रेस रु आज बेसिकली आम गोटे इम्पोर्टेंट न्यूज अच्छी, सेटा होची रेयर अर्थ मटेरियल। ओके, ऑलराइट। आज 22 जनवरी तो राम जन्मभूमि जो अयोध्या मंदिर ऊपर कंप्लीटली बहुत सारा आर्टिकल अच्छी आज, तो सेटा एते इम्पोर्टेंट नहीं। जोटा साइंस परस्पेक्टिव देखियो, व्हाट इज पेम्बा इफेक्ट। पेम्बा इफेक्ट एटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो। ओके, अगेन एटा गोटे फैंसी टॉप, तो से यार इम्पोर्टेंस अच्छे। ये इफेक्टा कौन? 1970s ये गोटे स्टूडेंट थे, ना सरनेम थिला पेम्बा, सी थ्योरीटा देते जे वाटर जदि हॉट थाए ताले सीए शीघ्र कूल हुए, ठीक अच्छे। इफ वाटर इज हॉट देन इट कूल डाउन स्पीडली, ठीक अच्छे, कंपेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक अच्छे। ऑलराइट, तार माने कौन? एटा गोटे एनालॉजी कहा जाए पारे, जे जदि वाटर रो टेम्परेचर हाई हला ताहले से शीघ्र तार थंडा हबो, माने कोनोसी भी जदि सिमिलर कंडीशन रखा हबो, आ गोटे हॉट वाटर अछि आ गोटे कोल्ड वाटर अछि, आ ए दि जण को आमे कूलिंग करिवार गोटे सर्टन टेम्परेचर को नबो। सपोज ए 25 डिग्री रे अछि, रूम टेम्परेचर रे अछि, आ याकु आमे हॉट करिछ आ एटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे अछि। ए दि जण को जते बेले आमे गोटे सर्टन डिग्री ऑफ टेम्परेचर, सपोज वी आर टेकिंग बैक टू 2 or 3 degree टेम्परेचर, राइट। तो पेम्बा इफेक्ट कहे जे यही जो हॉट वाटर अच्छी एटा बहुत जल्दी यही टेम्परेचर को पहुँची पार कंपेयर टू दिस कोल्ड वाटर, ताकु कहती पेम्बा इफेक्ट। कनसेप्ट बुझीगले? अच्छा, एबे रीजन को आसीबा। एटा नुह कि पेम्बा फर्स्ट टाइम पर यही थ्योरीटा देते, या पूर्व अरिस्टोटल भी ये विषय कही रेने डेस्क्रेट गोटे फिलोसोफर रेनेसेंस टाइम रो सी भी जिनस कही, बट 1969-70s पेम्बा एटा को प्रूफ करते जे कहीं एमती हुए। रिसेंटली व्हाट साइंटिस्ट आर फाइंडिंग इज दिस पेम्बा इफेक्ट जो थ्योरी इट इज कमिंग ट्रू। ओके, तो साइंटिस्ट मैंने तार रिजन खोजुंट एज टू व्हाई दिस एनोमली एक्जाक्टली अकरिंग। तो रीजन कौन हो पारे? रीजन ये गोटे रीजन या कहा जाउची जे ड्यू टू बबल्स कन्वेक्शन इनक्रीजेस, ठीक अच्छे। तो वाटर जदि अच्छी आ ताकु हॉट करा हला तो वाटर रे छोटो छोटो बबल्स क्रिएट हुए। ओके, तो ये जो बबल्स जिते बड़े कूलिंग हबो, जो कूलिंग पाई जिते बड़े दिया हबो, तो एनर्जी ट्रांसफर बहुत स्पीड हुए बबल्स मानक भितर हला। तो सही केस रे ए जो एनर्जी ट्रांसफर हुए या को कहती कन्वेक्शन। ए कन्वेक्शन जो आ बबल्स हॉट वाटर रे बबल्स जो टेम्परेचर रिड्यूस वेरी स्पीड। फर्स्ट गोटे रीजन एटा दिया हुई ची। सेकेंड रीजन कहा हुई ची जे हॉट वाटर इज
डेंसर ए सॉरी लाइटर देन कोल्ड। तो कोल्ड वाटर कौन तार डेंसिटी बेसी थाए। सो इन सच केस ड्यू टू हाई डेंसिटी तार टेम्परेचर कमिबार जो क्षमता सेटा कम हो जाए व्हेयर एज हॉट वाटर क्षमता बढ़ी जाए। सो से जो टेम्परेचर डाउन हवाटा हॉट वाटर पर बेसी ही जाए जेहेतु तार डेंसिटी कम थाए। आर गोटे प्रॉपर्टी से मैंने कहते आईटा एवं जाए प्रूफ है बट दे आर एज्यूमिंग कि वाटर रे कैल्शियम कार्बोनेट थाए राइट कैल्शियम मैग्नीशियम एटा गुड़ा को दिस सॉल्ट्स आर देयर इन वाटर यू माइट हैव यू नो नोन दिस फैक्ट। सो साइंटिस्ट को कहिबा कथा होची वाटर रो ए जते बेले वाटर को गरम करा हुए पानी को जते बेले गरम करा हुए ए कैल्शियम कार्बोनेट हेइ पारे वाटर रो गोटे वाटर उपरे पानी उपरे गोटे लेयर बनाए हला। आउ ए जो लेयर बनाए ए लेयर टा टेम्परेचर को डिक्रीज करिबा पे बहुत हेल्पफुल हुए। आपण किछि नोट बनांतुनी आपण खाली ए टॉपिक टा लिखि दियंतु एवं आपण रीजन टू लिखि दियंतु रीज आपण जदि बुझी जाइथिबे ताहेले एटा इजी हिजिव कारण क्वेश्चन जदि भी आसीबो रीजन रिलेटेड आसीबो या फिर पेम्बा इफेक्ट कहा संगरे रिलेटेड होछ। ऑप्शन रे खाली आमको जानिबार ए आछि जे पेम्बा इफेक्ट इज रिलेटेड टू वाटर रो एनोमली टेम्परेचर एनोमली को पेम्बा इफेक्ट कहते। आ गोटे रिजन अच्छे एटा 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 बुझीगली कार्बन डाइऑक्साइड रो गोटे परत हम तो सही जो आ गोटे पॉइंट हूँ इवापोरेशन। इवापोरेशन रो से माने गोटे एग्जांपल देउछंती जेमती ह्यूमन बॉडी जेते वाटर आमर बॉडी स्किन रे आसे स्वेटिंग हिसाब रे से जेती की इवापोरेशन हुए तो आमको से ठंडा लगे। एक कन्सेप्ट ए वाटर ऊपर यूज करिबा हॉट वाटर जेती वाटर जेते हॉट होबो से तार इवापोरेशन कैपेसिटी बढ़िबो इवापोरेशन जेती बढ़िबो टेम्परेचर से कमिबो। ओके सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस दिस Pemba effect is coming into play. Okay, so we are done with this particular news. Eta Pemba effect. Wala. Next, hoche mosquito fish. Mosquito fish yaro kamo hoche simply ta naru jana padi gala je mosquitoes manaku मस्किटोस रो जो लार्वा थाए ताकु सी फीड करे। ओके तो सही पाई मस्किटो बोर्न डिजीज मस्किटो रिलेटेड डिजीज जो मस्किटो रिलेटेड डिजीजेस जो अच्छे ताकु कर करिवा पाई वर्तमान तेलंगाना एवं अदर स्टेट्स मानन करे ए मस्किटो फिश को छोड़ा होची ताकि से मैंने मस्किटो रो लार्वा खाई कंट्रोल करेंगे। बट यार गोटे प्रॉब्लम होची जे दिस इज एन इनवेसिव इनवेसिव स्पीसीज। ओके एटा इम्पोर्टेंट एटा तो ना रु जानिजे मस्किटो फिश रो काम कौन से मस्किटो को कंट्रोल करने फिश टा यूज करा होची। बट एथेरे प्रॉब्लम होची जे इनवेसिव स्पीसीज माने कौन माने से जो भी इकोसिस्टम रे ताकु छोड़ा है गोटे पॉन्ड रे छोड़ा है गोटे कौन सी भी वाटर बॉडी रे छोड़ा है से एते स्पीड से ग्रो करिवो जे सेठी जो अन्य स्पीसीज गुड़ा को थिबे से माने एक्सटिंक्ट हो माने ताकु से माने से आउट पार कर देबो एवं निजे से जगह को पूरा अपतियार कर देबो। तो दीटा ही स्टेटमेंट हमको जानिबा एथिरे पूरा ए न्यूज रे एटा थिला जे कौन प्रॉब्लम फेस करुछंती म्युनिसिपल बॉडीज गुड़ा को मस्किटो फिश को इंट्रोड्यूस करके एटा ठीक अच्छे हे मस्किटो कंट्रोल करिवा पई हेल्प करुछि मस्किटोस रो लार्वा को ये फीड करुछि बट अलोंग विथ दैट इट इज एन इनवेसिव स्पीसीज व्हिच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम राइट। बेसिकली पेम्बा इफेक्ट आम जानले एवं मस्किटो फिश विषय जानले जदि आपण को आउ टिके जदि बेसी जहाँ टिके ये थाए
ଡାଉଟ ଥାଏ କି ସାର୍ ଯଦି ଏଇଟା ଆସିଗଲା କି ସେଇଟା ଆସିଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଜାବ ଲୋକାଲ ୱାଟର ବଡିସରେ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରାହେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମସ୍କିଟୋ ଫିସ୍ ତା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଓକେ ତ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଖାଲି ୟାର ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗ୍ୟାମ୍ବିଉସିଆ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନେମ୍ ହିସାବରେ ପଚାରିଦିଏ କି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦିସ୍ ବେସିସ୍ ଗ୍ୟାମ୍ବିଉସିଆ GAMBUSI ୱାଜ୍ ଇନ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ତ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଅ ଫିସ୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଦ ହୋଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଭଲ୍ଭସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଏଇଟା ଦ ହିନ୍ଦୁର ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଶାର ନିଶାର ବହୁତ ସମୟ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାସା ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଏଇଟା ନିଶାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏମାନେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବାଇ 2024 ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ 2024 ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଦିସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦିସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ ଦ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି କୌଣସି ଏଇଟା ସ୍ପେସ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ଅର୍ଥକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ଚେଞ୍ଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି ସି ଲେଭେଲକୁ ଦେଖିବ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆସ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ତ ନିଶାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଇଟା କାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଶାର ଇଜ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନାସା ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦ ଅର୍ଥ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଅର୍ଥ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ନିଶାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓକେ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ନିଶାର ମିଶନ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଫର୍ ଲଞ୍ଚ ସୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନିଶାର ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନିଶାର ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ କଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଖାଲି ଥିଲା ନିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା କଭର୍ କରିନେଲି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଆସିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ୟୋର୍ ଜଙ୍କ୍ ଡ୍ରୟର୍ କୁଡ୍ ବି ଲାର୍ଜ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରିୟର୍ ଅର୍ଥ ମେଟେରିଆଲ୍ ରିଅଲ୍ ଅର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଫଟୋ କ'ଣ ଦେଇଛି ମୋବାଇଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ରିୟର୍ ଅର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିୟର୍ ଅର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ରେୟର୍ ଅର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଇଜିଲି କୌଣସି ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ମାନେ ୟା ଯେଉଁ ମେଟାଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଇଜି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେନି ତାକୁ ରେୟର୍ ଅର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ କୁହାଯାଏ କେତେଟା ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 70 17ଟା ରେୟର୍ ଅର୍ଥ ମେଟାଲ୍ସ ଅଛି ଓକେ 17ଟା ରେୟର୍ ଅର୍ଥ ମେଟାଲ୍ସ ଅଛି ଏମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ୟୁନିକ୍ ମଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁନିକ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ରେୟର୍ ଅର୍ଥ ମିନେରାଲ ଦେ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ମୋବାଇଲ୍ସ
एंड मेनी हाईटेक डिवाइसेस। ओके, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को कहते हाईटेक डिवाइसेस रे ए सब रेयर अर्थ मिनरल यूज होची। राइट, ताहले रेयर अर्थ मिनरल को एबे गवर्नमेंट प्रमोट करिवा पई चाहूची एवं गोटे डेडिकेटेड इवन डिपार्टमेंट अच्छी रेयर अर्थ को प्रमोट करिवा पई जे जो भी आम घरे जमती कंप्यूटर अच्छी मोबाइल अच्छी इंटरेस्ट मेनी यू नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर देयर दिस गैजेट्स एक्चुअली कंटेंट रेयर अर्थ मिनरल। ठीक अच्छे, तो सेपाई गवर्नमेंट एवं मिनरल्स गवर्नमेंट एवं चाहूँगी जे ये सब को कमी कलेक्शन करा जाय पारिबो एंड हाउ वी कैन फेस दिस रेयर अर्थ मिनरल्स सो कैन एज अ डिजिटल एम्पावर्ड नेशन वी कैन प्रोड्यूस मोर कटिंग एज डिवाइसेस और हाईटेक डिवाइसेस यूजिंग ऑल दिस रेयर अर्थ मिनरल। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज बेसिकली। सो आज 22 जनवरी टोटाली राम मंदिर को लेकिन सबू न्यूज पेपर पूरा फुल अच्छी छाड़ी कौन सी प्रकार न्यूज ना जहाँ भी अच्छी ओनली राम मंदिर को लेकिन अच्छी राम टेम्पल मानने ये टेम्पल महत्व कौन यार बैकग्राउंड कौन आज डेट रहत्व कौन से सब विषय में। सो जी भी इम्पोर्टाट सैंस परसपेक्टिव रूला मुझे सब न्यूज को आपन को कवर करके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।